हाय एवरीवन, सो अब मेरे को देख फिर फेस देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, बट यार मैं थोड़ी सी थकी हूँ, सुपर सुपर वाली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं हिरन पे करने वाली हूँ आज प्रैंक। जो प्रैंक क्या है वो सब मैं आपको थोड़े देर में डिटेल में बताती हूँ, बिकॉज मेरी कैब वेट कर रही है नीचे और मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। सो मैं कैब में हूँ और आपको बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा होगा, और यार मैं एक चीज़ के और अपडेट देना चाहती हूँ, मेरे को मेरा विजडम टूथ का पेन अगेन शुरू हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो गई है। बेसिकली बता दे रही थी आज वीडियो में क्या करने वाली हूँ, हिरन की मॉम गई हुई है आउट ऑफ स्टेशन, मतलब आउट ऑफ टाउन है, एंड हिरन को कुछ काम है, तो इसके लिए हिरन भी घर पे नहीं है, एंड उसको घर पे आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और हिरन एक्चुअल में मुझे लेने आने वाला था कल, बट उसको नहीं पता कि आज मैं खुद ही जा रही हूँ अहमदाबाद घर पे, और हिरन के घर की एक चाबी ऑलवेज मेरे पास होती है, तो मैं खुद जा करके घर खोल के चली जाने वाली हूँ अंदर, एंड फिर मैं वेट करने वाली हूँ, और बाकी सारे क्या होने वाला मैं आपको घर जाके बताती हूँ। गाइस ये देखो हिरन का बेड कितना मेसी पड़ा है, मन तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि सारे को क्लीन कर दूं, बट मैं क्लीन नहीं करने वाली हूँ, मैं क्लीन करूंगी ना तो हिरन को पता चल जाएगा कि मैं मतलब कोई आया है। मुझे पहले तो मेरा पर्स भी छुपाना पड़ेगा, लैपटॉप बैग भी छुपानी पड़ेगी, और मैं कुछ नहीं छूंगी, और मैं मेरा कैमरा को ये रूम में और स्टूडियो रूम में दोनों जगह छुपा दूंगी, और मुझे नहीं पता कि हिरन आएगा तो कौन से रूम में घुसेगा, और फिर मैं आपको बताऊंगी एक बार सेटअप के बाद मैं एक्चुअल में क्या करने वाली हूँ। तो मैं कपड़े पहन के तैयार हूँ, बल्कि ये व्हाइट कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी मुझे, बट मेरे पास था नहीं कुछ ऐसा व्हाइट सा, एंड हाँ कपड़े पहन के थोड़ा सा फील आ जाता है, इसके लिए मैंने बहुत ढूंढा, और मैं है ना डायरेक्टली हिरन को कॉल नहीं कर सकती थी, नहीं तो हिरन को शौक पड़ जाता, तो मैंने मॉम को कॉल किया और मॉम को बोला क्या आप हिरन को इनडायरेक्टली बोलना, प्लीज बता रहा मत कि मैं आई हुई हूँ, बिकॉज ये मेरा प्रैंक करने वाली हूँ। तो मॉम ने बोला ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ, और मॉम ने फिर कॉल किया हिरन को, तो हिरन ने बोला कि वो गांधीनगर से निकल गया, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, तो हिरन आधे से पौने घंटे में कभी भी आ सकता है, तो मैं मेरा सेटअप करके हर एक चीज रेडी रहती है, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, बिकॉज मैं इतना लंबा प्लान बना करके आई हूँ और इतना सब कुछ प्लानिंग किया है ना, तो बस होपफुली मेरा सक्सेसफुल हो जाए। हाय गाइस, हमने ना कैमरा पूरा टोटली सेटअप कर लिया है, मैं क्या करने वाली, वो एक छोटा सा दरवाजा दिख रहा है ना, मैं उधर जाके छुप जाने वाली हूँ, वो बेसिकली स्टोर रूम है, और हिरन जब भी होता है ना घर में या कभी भी वो रूम है वो कभी नहीं जाता है, तो एक सेफ प्लेस है मेरे को छुपने के लिए, तो हम वेट करने वाले हिरन का, होपफुली भगवान जी वो जल्दी आ जाए, बिकॉज वहां पे फैन नहीं है तो मैं गर्मी में मरने वाली हूँ, तो मैं लाइट्स ऑफ करके मेरा फोन लेके जा रही हूँ कि वहां मैं छुपके सब रिकॉर्ड कर सकूं, तो चलो हम वेट करते हैं। रुक जा पहले मैं पानी पी लेती हूँ, गाइस गाइस पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लाइट बंद करना तो भूल गई, और मैं ना छुपके से दरवाजा खुला रखूंगी ताकि मैं देख सकूं वो आया है और क्या कर रहा है, एंड ऑल दैट। सो गाइस अब अंदर हम कायम नहीं रहने वाला, 15 मिनट्स लेटर। अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं, अरे तो वो सब टेंशन मत लो ना, वीडियो मेरे को बना के भेजना है ना। हाँ तो देखो डेट में वो वाली नहीं दे सकता क्योंकि वो डेट पे मेरा अपलोड ही नहीं है। हेलो, हाँ सुन, हो गया बॉटल का अरेंजमेंट, दो बोला था भाई, 8 लोग है ना, मैं उसको कॉल करता हूँ तो अरेंजमेंट कर। अबे यार उसमें सिर्फ एक बॉटल का किया, मैंने दो बॉटल का बोला था उसको, आज का प्लान करना है ना, मम्मी नहीं है आज घर पे, ऑब्सेशन डे भी है। तुम लोग कितने बजे पहुंचोगे? सर पागल है क्या? नहीं 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 नहीं, 8-9 बजे तक पहुंच जाओ, 3 घंटा बैठेंगे, मतलब 11:30-12 बजे तक खत्म करना पड़ेगा, कुछ भी करके 12 बजे से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद कभी भी अंकिता फ्री हो जाती है फिर कॉल करती है, फिर मैं फोन नहीं रख सकता फिर बीच में उसका। ये क्या बात हुई, तुम लोग पार्टी करोगे मैं वहां पे बात करूँ और फिर तुम चुपके? नहीं कर सकते ऐसा यार, इससे बेटर है सेफ साइड है, 11:30-12 तक खत्म कर देंगे अपना। हाँ तो इस हिसाब से प्लान करो, उसको लेट वो उसका छोड़ दो आज।
और उसको बोलना दो बोतल का करके रखे है। हाँ चल, क्या वो आ रही है क्या सब में? अबे तेरी वाली नहीं, तो तेरी वाली का मैं क्या करूंगा, उसकी फ्रेंड। हाँ वही वही वही। हाँ चल, हाँ तो ले आना उसको साथ में, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा तेरा। हाँ मिलते हैं रात को, मिलते हैं एक बार निकलने से पहले फोन करना मैं क्या टाइम, मैं भी टाइम पे घर पे पहुंच जाऊँ वापस। हाँ चल ओके भाई। तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रही है? तू कैसे यहाँ पे, पहले मुझे वो बता, मुझे वही प्रोसेस नहीं हो रहा था, अंदर से क्या कर रही है? सरप्राइज किस चीज की? मैल में इसका क्या तू अंदर कैसे आई? तो फिर तू आई कैसे? मम्मी को पता है क्या तेरे बारे में? तू आई यहाँ पे, तू रो क्यों रही है इतना पर? सॉरी, रोना बंद कर अंकिता। मैंने क्या किया टाइम पास के लिए? अपने फ्रेंड को बोल रहा है, अरे वहां पे के फ्रेंड को लेकर आए ताकि टाइम पास हो, पार्टी जल्दी खत्म करनी है। दोस्तों की बात है, बात करना पड़े तेरे को, मेरे को अच्छा लगता है। मुझे कम से कम इतना तो बता दे, कैमरा कहाँ पर रखा तूने? देखो अच्छे से पता है मम्मी झूठ नहीं रख पाती है। मतलब क्या? मम्मी ने मेरे को कॉल किया था और मम्मी बोलती है तुम लोग खाना खा लेना, तुम लोग कौन हो सकते हैं? तो मैंने बोला कुछ गड़बड़ है, फिर मैं नीचे से ऊपर आया। डॉग्स घर के अंदर नहीं थे। वो लोग अकेले बाहर क्या करते हैं कि मैं तो उनको अंदर रख के गया था। तो तूने उनको बाहर रखा, सही बात है ना? हेलो, प्रैंक का टुनटुन हो गया। तू इधर सोते से पहले सिगरेट कैसे पी रहा था बता मुझे? मुझे डाउट था कि तू घर पे है। कैसे पी मैं लेके आया, तो ऐसे कैसे पी रहा था? तुझे खांसी नहीं आई एक बार? तू फिर फोटो देख रहा, मुझे पी रहा आता, मैंने सिर्फ हाथ में रखी हुई थी, मेरे को आता ही नहीं, खांसी हो रही थी। पहले मैं सोचा पिक्चर की तरफ पीऊंगा, उसके बाद खांसी होने वाला नहीं, अपने से नहीं होगा ये चीज। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, अभी तो आ रही है। मैं तेल लगाना कहूंगा बस, अभी अभी तो आयो पास है। क्या सॉन्ग भी भूल गया शिट, अभी ना कर रहा जाने की बात। एनीवेज गाइस, ये था अंकिता का वीडियो, जो मेरा वीडियो हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड और ट्विटर को फॉलो कर लेना, अंकिता के चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, इसके 1,00,000 पूरे करवा दो। एंड या बस थोड़े से रह गए, सब लोग एक एक करके सब्सक्राइब कर लोगे तो अब इसके 1,00,000 कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोज मस्त अमेजिंग मिनी ब्लॉग डालता हूँ। लव्स ऑफ लव।